एम्बुलेंस नहीं आई, बहुत परेशान हुआ। जो कर्मचारी हुए बोलते कि अभी रुको, अभी यही रुको, मेयर को करीबन 15 केस में हो गए, मैं परेशान हो रहा हूँ। उनके सांस की शिकायत थी, अगर वो ऑक्सीजन उनके उस समय लग जाता तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते। इस तस्वीर का दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक बेटा अपने पिता को लेकर कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा, अस्पताल के लिए भागता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। उसने एम्बुलेंस को फोन किया तो जवाब कैसे मिला सुनिए। 108 को ही फोन किया, सब मतलब वो बोलते हैं होल्ड पे रहो, आपको अभी जवाब दे रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, लो सर से बात कर लो। फिर उधर से फोन आता है कि मैं चेसर से बोल रहा हूँ। फिर उधर से तो कोई एम्बुलेंस नहीं आई आपके लिए? बिल्कुल एम्बुलेंस नहीं आई, बहुत परेशान हुआ। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो बेटे ने अपने पिता को एक ठेले पर रखकर ही अस्पताल की दूरी तय करने की ठानी। घर से अस्पताल की दूरी कितनी? तकरीबन 2 किलोमीटर थी। बेटा अपने पिता को सड़कों पर बदहवास होकर अस्पतालों की ओर भागता रहा, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले किसी जगह कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। बैरिकेटिंग थी जो खुद हटाता रहा, आगे बढ़ता रहा। बैरिकेटिंग की जगहों पर पुलिस थी, लेकिन वो महज किसी तमाशबीन की तरह खुली सड़क पर मौत के आगे अपने पिता को बचाने की जद्दोजहद करते एक बेटे की मजबूरी को निहारने भर के लिए। हद की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे तैसे बेटा अस्पताल पहुंचा तो वहां भी उसे सिर्फ किसी कठपुतली की तरह नचाया ही गया। एमबीएस लेके गए तो वहां पे भी एम्बुलेंस रोक दी और ये बोलते हैं कि अभी रुक जाओ। जो कर्मचारी हुए बोलते हैं कि अभी रुको, अभी यही रुको। मेयर को करीबन 15 केस में हो गए, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने यार तो इलाज हो गया? नहीं हुआ, जो सांस चल रही थी जी क्या, मैंने थोड़ी बहुत मेरे अंदर जो थी, मैंने यार हो सकता है मेरे पिताजी मेरा साथ देते। ये सब हुआ कोटा जिले में। देश में लॉकडाउन लगा यानी घरों से निकलने पर मनाही है, आवागमन के साधन बंद है, तो क्या इस बीच कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज नहीं होगा, उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा? यह सवाल सरकार और प्रशासन दोनों पर खड़े होते हैं। पहला सवाल सरकार से, जो लॉकडाउन के नियम का पालन करने की अपील कर रही है, फिर स्थानीय प्रशासन से जिसके जिम्मे इस नियम को पालन कराने का दारोमदार है। घटना रामपुरा फतेहगढ़ी की है, जहां एक युवक बाथरूम जाते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर पत्नी और बेटे ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूर बेटे ने चोटिल पिता को उठाया और फल सब्जी वाले ठेले पर डालकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। एक बेटे ने अपने पिता को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए, लोगों से अपील की, भगवान को भी याद किया, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे इंसानों के साथ ही ना तो ऊपर वाले भगवान से और ना ही धरती के भगवान से कोई मदद मिल सकी, जिससे वो घर जाकर अपनी माँ से कह सकता, माँ मैंने अपने पिता को बचा लिया। मानवता के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीरें, प्रशासन और डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा, ये सब कहने से भले ही दिल को सांत्वना मिल जाएगी, लेकिन उस बेटे और औरत का दिल ही जानता होगा जिनका सब कुछ खत्म हो गया इस लॉकडाउन और उसके आड़ में अमानवीय लोगों के आगे। राजस्थान तक के लिए अम्बेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।